चार देखो, एपी के प्रथम चार पदों को लिखे, जब प्रथम पद ए और सारांश डी निम्नलिखित है। चलिए यहाँ पे यह पहला क्वेश्चन है, ए दिया है प्रथम पद वन और डी जो है वह आपका सारांश दिया है एक। तो आपको प्रथम चार पद लिखने हैं, तो पहला पद यानी कि ए वन वन ही हो जाएगा, दूसरा पद ए प्लस डी फॉर्मूला होता है यानी कि हो जाएगा वन प्लस वन टू, तीसरा पद तो तीसरा पद ए प्लस टू डी होता है यानी कि वन प्लस दो गुना एक, दो एकम दो एक तीन। अच्छा चौथा पद, तो चौथा पद हो जाएगा ए प्लस थ्री डी यानी कि वन प्लस तीन गुना एक, यहाँ पे आ जाएगा तीन एकम तीन एक चार। तो प्रथम चार पद यहाँ से आपके आ गए एपी के प्रथम चार पद जो हो गए वह कौन कौन से हो गए, एक दो तीन चार, समझ गया ना, एक दो तीन चार आ गया, समझ गया। तो इसी टाइप के है इसमें क्वेश्चन, अब दो इसमें का